Hello students, I'm Pankaj Kumar, electrical lecturer from Government Polytechnic College, Dungarpur. आज अपन पढ़ रहे हैं CS205 ADC Electronics Devices and Circuit का configuration of BJT के बारे में. Last class में मैंने बताया था कि BJT पे construction and working. जिसने नहीं देखा वो वीडियो, पहले वो वीडियो जरूर देख लेना. अब उसके बारे में बाद में बताता हूँ कि एक BJT को सर्किट में किस तरीके से काम में आता है. बीजेटी का सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया था, बीजेटी इसका सिंबल क्या बताया था मैंने, तीन टर्मिनल बेस, जहां पे एरो लगा वो टर्मिनल कौन सा होगा एमिटर, और जहां पे एरो नहीं लगा वो टर्मिनल कौन सा होगा कलेक्टर. ओके, तो ये अपना, अब इस बीजेटी को अपन को सर्किट में यूज करना है. तो सर्किट में यूज कैसे करेंगे अपन, सिंबल को ध्यान में रखना. कौन सा तरीके वाला है ये, एनपीएन ट्रांजिस्टर. एक के बारे में देख लेंगे तो दूसरे के बारे में बाय डिफॉल्ट एक्सप्लेन हो जाएगा. तो कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जब ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो अपन उसे तीन कॉन्फ़िगरेशन में तीन तरीके से अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं. नंबर एक होता है कॉमन एमिटर, कॉन्फ़िगरेशन दूसरा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो ये तीन तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एक ट्रांजिस्टर के. किस तरीके से कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का किस तरीके से कनेक्शन होगा, एमिटर कलेक्टर बेस, बेस और एमिटर के बीच में हो गया एन पी एन. ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी यहाँ पे लगाएंगे अपन, वीसीसी जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे एक बैटरी लगेगी वी बी ई. ये वोल्टेज हो जाएगा वी बी ई, ये वी सी बी, और ये हो जाएगा वी सी. इस तरीके से यदि अपन टर्मिनल को कलेक्ट करेंगे तो, और आउटपुट कहाँ से लेंगे अपन, यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज वी सी से यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा ग्राउंडेड. यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे अपन, और इस तरीके के साथ जो सर्किट होगा वो होगा कॉमन इमिटर सर्किट. कॉमन इमिटर सर्किट क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि जो इमिटर टर्मिनल है वो दोनों ही में, इनपुट साइड और आउटपुट साइड, दोनों के लिए कॉमन टर्मिनल है इमिटर. इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन बोलेंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन. सेकंड आता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कौन सा है कॉमन बेस. कॉमन बेस में आप समझ ही गए होंगे अभी, कॉमन बेस का मतलब दोनों इनपुट और आउटपुट साइड दोनों के लिए जो कॉमन टर्मिनल होगा वो कौन सा होगा, बेस. तो बेस कौन सा होता है, ये वाला अपन को पता ही है. ये एमिटर हो गया, बेस हो गया, और ये टर्मिनल हो गया कलेक्टर टर्मिनल. और अब बैटरी जो जुड़ेगी वो जुड़ेगी इमिटर और बेस के बीच में. और जो दूसरी बैटरी जुड़ेगी वो कहाँ पे जुड़ेगी, वीसीसी मतलब कलेक्टर और बेस के बीच में. ठीक है, तो ये हो गया दूसरा टर्मिनल. यहाँ ये हो गया इनपुट साइड, इनपुट का वोल्टेज किस तरीके से होगा, यहाँ पे वहाँ पे वी बी था तो यहाँ पे जाएगा वी ई बी, और यहाँ पे ये हो जाएगा आउटपुट और वी सी बी. ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, सॉरी कॉमन जो भी टर्मिनल है उसे अपन नीचे की तरफ रखेंगे, और इसलिए ईमीटर टर्मिनल ऊपर की तरफ बनेगा, कलेक्टर यहाँ पे। अब ये कलेक्टर जो है नीचे की तरफ है, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वीसी, यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज बोलेंगे इसे, इसे ग्राउंडेड कर देंगे, ये इनपुट साइड हो जाएगा और ये वोल्टेज कितना हो जाएगा वीसी पे वीपीसी, और ये वोल्टेज हो जाएगा अपना वीईसी, ये कौन सा हो गया आउटपुट, आउटपुट साइड। तो यहाँ पे अपन ने तीन जो बीजेटी है, बीजेटी का के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है, ये अपन ने देख लिया कि पिछली लास्ट क्लास में अपन ने देखा था बीजेटी के ऑपरेशन एंड वर्किंग, और फिर जो बीजेटी की जो दो जंक्शन है उनका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करने के आधार पे जो ऑपरेटिंग रीजन है, सेचुरेशन रीजन, एक्टिव रिवर्स एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो इस क्लास में अपन ने देख लिया है कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि जब बीजेटी को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बीजेटी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किट में कनेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। अब कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के में क्या है, कॉमन से समझ में आ रहा है कि तीनों में कोई सा भी एक टर्मिनल कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि अपन को पता है कि इसमें दो साइड है, एक इनपुट साइड है और एक आउटपुट साइड है, तीन टर्मिनल हैं, बैटरी हमेशा दो टर्मिनल के बीच में ही कनेक्ट होती है, तो तीन टर्मिनल हैं तो हमेशा एक टर्मिनल है वो अपन को कॉमन रखना पड़ेगा, तो उस टर्मिनल को कॉमन रखने के आधार पर इस तीन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड हुए हैं, तीनों में कॉमन इमीटर, एक बार कॉमन बेस कॉमन ले लेंगे और तीसरे में कलेक्टर को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन इमीटर को कॉमन लिया अपने, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इमीटर में जब कॉमन ले लिया अपन ने, तो बेस इनपुट साइड में हो जाएगा और कलेक्टर आउटपुट साइड में हो जाएगा, और इन दोनों के एक बैटरी है जो बेस और इमीटर के बीच में कनेक्ट कर दी, और दूसरी बैटरी जो है कलेक्टर और इमीटर के बीच में, जो वीसीसी मैंने लगाया है वो उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, इमीटर से, वो शो करने का तरीका है यहाँ पे, इस तरीके से अपन शो करते हैं। इनपुट साइड में हो गया ये, और इनपुट साइड में वोल्टेज हो गया वीबी, और करंट क्या हो जाएगी यहाँ पे आई बी, और यहाँ पे करंट हो जाएगी आई सी। तो अपन ने फॉर्मूला बताया था आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये फॉर्मूला सभी जगह एप्लीकेबल होगा, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे नहीं होगा इसमें। अब इसमें वोल्टेज देख लिया अपन ने, अब यहाँ पे करंट देखेंगे, तो करंट बाहर की तरफ निकल रही आई ई मीटर, और बेस और कलेक्टर की करंट जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, तो इनपुट करंट कौन सी हो गई आई ई, और आउटपुट करंट कौन सी हो गई यहाँ पे आई सी। नेक्स्ट था कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर अपन ने कॉमन ले लिया, इनपुट साइड हो गया, इनपुट साइड का वोल्टेज बता दिया मैंने, तो इनपुट साइड की जो करंट है वो करंट कौन सी जाएगी अंदर की तरफ जाएगी बेस आई बी, और जो आउटपुट करंट हो जाएगी वो है इमीटर करंट। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट दो सर्किट हैं वो हैं कॉमन इमीटर सर्किट और कॉमन बेस सर्किट। कॉमन इमीटर सर्किट का अपन में करंट गेन देखें, क्योंकि इनपुट करंट कौन सी है आई बी और आउटपुट करंट कौन सी है आई सी, तो करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट कौन सी है यहाँ पे आई सी अपॉन इनपुट करंट कौन सी है आई बी, ये करंट गेन हो गया किसके लिए, कॉमन इमीटर के लिए, और कॉमन इमीटर का जो करंट गेन है वो दिखाते हैं हमेशा बीटा से।
कॉमन बेस के लिए अपन देखेंगे तो करंट गेन क्या होगा, आउटपुट करंट कौन सी है आईसी अपॉन इनपुट करंट कौन सी है आई। यहाँ पे करंट गेन है उसको अल्फा से शो करते हैं, तो अल्फा हो गया आईसी अपॉन आई। अब अपन को पता है कि आई हमेशा आईसी से ज़्यादा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन होगी। और बीटा है तो आईसी आईबी से बहुत ही ज़्यादा होता है, आईबी लगभग नेग्लिजिबल होती है, तो बीटा की वैल्यू जो है वो वन से कहीं ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अपन ने करंट गेन भी देख लिया है कि करंट गेन क्या होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट साइड के वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। थैंक यू।